Zombie apocalypse. हेलो व्हाट्सअप गाइज, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बेस्ट होंगे, बेटर होंगे। एंड गाइज, आप मैंने जो कल काइमेरा लैंड का लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो बहुत से बंदे को वो गेम पसंद भी आया, तो इसके ऊपर मैं सोचा कि एक गेम प्ले ला दूं जो कि आप लोगों को फुल अंडरस्टैंड हो जाए कि आप लोग इस गेम को खेलना कैसे है। तो गाइज, जैसे आप लोग इस गेम को स्टार्ट करते हो आपको कुछ इंटरफेस यहाँ पे नजर आते हैं जिसमें आप लोग अपने करेक्टर को चूज करने के लिए बोलता है। लाइक आप लोग जिस करेक्टर को भी चूज करते हो यहाँ पे आप लोग का छोटा से मतलब बुढ़ापा तक वहाँ पे करेक्टर को शो होता है। लाइक इसमें आप लोग बंदर से लेकर के बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, मतलब जिस टाइप से आप लोग सर्वाइव करना चाहते हो, जिस कैटेगरी में आप लोग सर्वाइव करना चाहते हो वो आप लोग चूज कर सकते हो। ये गेम गाइज काफी ओल्ड मॉडल गेम होने वाला है क्योंकि इसमें जो कोई कुछ फीचरिस्टिक जो दिया गया ये डायनासोर जमाने का मतलब थोड़ा ओल्ड मॉडल का दिया गया जिसमें जिस टाइम में हम लोग बहुत ही ज्यादा कुछ एनिमल्स टाइप के थे जैसे साइंस बोलता है, ठीक है। तो इस टाइप का गेम होने वाला है जिसमें आप लोग अपना करेक्टर को काफी मतलब जो मधुमक्खी वगैरह जो जिस टाइप का भी चूज करना चाहते हो, कीड़ा मकोड़ा मतलब यू नो, तो इसमें आप लोग चूज कर लेना। यहाँ तो मैं फिलहाल एक ह्यूमन वाला ही चूज करूंगा क्योंकि मैं ह्यूमन ही हूँ, तो इसके लिए मैं ह्यूमन वाला ही चूज करूंगा। तो फिलहाल एक मैं करेक्टर यहाँ पे फटाक से चूज कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे चूज करोगे तो यहाँ पे कुछ स्किन्स एंड इमोट एंड साउंड यहाँ पे कुछ दिखाया जाता है और यहाँ पे आप लोग को फेस कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन दिया जाता है जहाँ पे आप लोग फुल अपने फेस को कस्टमाइज करके छोटा से बड़ा आप लोग बना सकते हो एंड यहाँ पे कुछ टैटूज वगैरह भी ऐड कर सकते हो। लास्ट में आप लोग को नेम यहाँ पे ऐड करने के लिए बोलता है जो कि आपने अपना नाम क्या देना चाहते हो गेम के अंदर, जो तो मतलब प्लेयर लोग आपको पहचानेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप करके आप स्टार्ट कर देना, फिर आप लोग यहाँ पे बर्थ लोकेशन आप लोग को दिखाया जाएगा कि इस आइलैंड पे आप मतलब इस गोले पे आपको कहाँ पे बर्थ करना है, आपको लैंड करना है। तो यहाँ पे आप लोग बर्थ पे टैप करोगे तो यहाँ पे एक लोकेशन दिया जाएगा जहाँ पे वो टावर दिखेगा। गाइस मैं टावर बाद में मेंशन कर दूंगा। तो यहाँ पे कुछ चिंगारी जैसे आप लोग हवा से गिरने लगोगे एंड यहाँ पे आप लोग को वहीं पे बर्थ होगा, आप लोग वहाँ पे जन्म लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे फटाक से इसको गिरने देते गाइस, और ये गाइस कुछ पबजी टाइप जैसा यहाँ पे आसमान से गिरने वाला है तो थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाया है, बट एक इसमें फॉल्ट है गाइस कि ये बिना पैराशूट का गिरती है, ठीक है। तो ये एक गलत है क्योंकि कोई भी आदमी आसमान से अगर गिरता है तो वो बच नहीं सकता, यू नो, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये फीचर गलत है। फिलहाल तो इसको लैंड करने देते हैं एंड इसके आगे का मैं बारी बारी फीचर बता देता हूँ कि कैसे प्ले करना है, क्या करना है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे लैंड हो रही गई, बहुत ही ज्यादा ऊंची आसमान से गिर रही थी, लाइक ये बहुत ही दूसरे दुनिया से आई थी, बता नहीं सकते कहाँ से आई थी। तो गाइज ये टावर की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे आप लोग ऑटोमेटिक मतलब जब भी आप लोग चाहो यहाँ पे टेलीपोर्ट हो सकते हो, कहीं भी अगर भटक जाओ तो अपने होम पे आने के लिए टावर आपके हेल्प कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को लैंड करने के बाद आप लोग को कुछ यहाँ पे गाइड किया जाता है। एज यू नो कि हर सर्वाइवल गेम में या फिर किसी टाइप का भी गेम हो तो उसमें आप लोगों को सर्वाइवल गाइड दिया जाता है, जो एक एनपीसी होता है वो आपको गाइड करता है कि आप लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और बेसिकली गाइस अगर आप लोग कोई भी गेम खेलते हो तो उसमें आप लोग बोरिंग हो जाओगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है कैसे करना है, तो गाइडनेस बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है जो कि एनपीसी करते हैं हर सर्वाइवल गेम में। तो आप लोग को यहाँ पे एक बॉक्स दिया जाएगा जिसको ओपन करते होते हैं, यहाँ पे कुछ आप लोग को वेपन्स एंड यहाँ पे कुछ कुल्हारी वगैरह दिया जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सेम जैसे सर्वाइवल गेम में होता है लाइक हम लोग माइनिंग करते हैं एंड गैदरिंग करते हैं एंड यहाँ पे लॉगिंग करते हैं, तो वो सारा चीज इसमें भी आप लोग करने को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोग कुछ मॉन्स्टर भी देखने को मिलेगा जिसको आप लोग को मारना है। तो ये बात का ध्यान रखना कि अपने हाई लेवल के मॉन्स्टर को मत मारना अपने से हाई लेवल के, क्योंकि अगर आप लोग का डैमेज कम रहेगा तो ऑफ कोर्स ये नॉक दे देगा या फिर आपको मार डालेगा। तो यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन देता है, एक गिव अप का ऑप्शन देता है, एक हेल्प मतलब गेट हेल्प का एक ऑप्शन देता है मतलब। तो अगर आपके आसपास कोई फ्रेंड है तो उसे हेल्प ले सकते हो या फिर कोई नहीं है तो गिव अप भी कर सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पे कोई भटक नहीं रहा था तो मैंने गिव अप कर दिया। गिव अप करते आप लोग फिर से यहाँ पे आसमान से लैंड कराया जाएगा एंड यहाँ पे आगे का देख लेते क्या करना है फिर। तो अगेन आप लोग को यहाँ पे बहुत तरह के जानवर दिखने वाले, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग किसको मार सकते हो और किसको नहीं मार सकते, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और जब भी इसको आप लोग शूट करोगे तो वो कंटिन्यू आप पे फायर देता रहेगा जब तक आप उसके रेंज से थोड़ा दूर नहीं चले जाते हो, तो ये बात का आप लोग ध्यान रखना। फिर से हम लोग एनपीसी से बात कर लेते हैं। यहाँ पे बैकपैक में जाने के बाद यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये टूल्स बार है गाइस जो नीचे में था, तो यहाँ पे आप लोग वेपन स्विच कर सकते हो जितना जल्दी हो सके, मतलब चाहते हो कि ये वेपन यूज नहीं करना मैं दूसरे से मारना है तो वो बाद में आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को फास्ट का एक ऑप्शन भी दिया गया जिसे आप लोग टैप करोगे तो थोड़ा सा स्पीड रन कर जाओगे, ठीक है। आप लोग का कुछ वहाँ पे लिमिटेड टाइम दिया जाता है स्पीड अप का, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद ये गाइस मेन टावर है आपका जो कि मैं बता दिया था। तो चलो गाइस यहाँ पे देख लेते क्या सब यहाँ पे एडेड है।
ठीक है, ये बोल सकते गाइस। तो यहाँ पे स्पॉन है, मतलब ये आप लोग का मेन टावर है कि यहाँ पे आप लोग जन्म हुए हो, आप लोग यहीं पे रहने वाले हो। ठीक है, आप चाहो तो अपना टावर चेंज कर सकते हो, लाइक बहुत से दूर जा करके कोई और टावर को भी ले सकते हो, आई डोंट थिंक सो। ठीक है, लेकिन आप लोग जो भी चाहो कर सकते हो। फिलहाल इससे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग बात करेंगे, बस कुछ ट्यूटोरियल्स दिखाता है कि आप लोग मॉन्स्टर को मारते हो तो बहुत सारे रिवॉर्ड आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हम लोग मॉन्स्टर को मार लेते हैं, यहाँ पे कुछ हेवी वेपन्स भी दिया गया था मुझको मारने के लिए, एज अ ट्यूटोरियल तो दे ही देते हैं ये लोग, कोई इशू नहीं इसमें। और यहाँ पे जैसे ही मारते हो कुछ आप लोग को मटेरियल्स वगैरह दे दिया जाता है, कुछ आप लोग को मतलब यहाँ पे मेल बॉक्स को कलेक्ट कर लेना, जो कि बॉक्स जो भी आप लोग मिशन करोगे तो वहाँ पे कुछ रिवॉर्ड आप लोग को देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग को फ्यूज बटन देगा, फ्यूज बटन से आप लोग जो भी आप लोग अपने मैनर पे बनाते हो या फिर जो भी आप लोग एमओ वगैरह बनाते हो सारा आप लोग फ्यूज बटन से ही बना सकते हो, लाइक वो एज अ क्राफ्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बॉ बना लिया। बॉ बनाने के लिए आप लोग कुछ वुडन वुड का जरूरत पड़ता है, तो आप लोग वुड कलेक्ट करके पेड़ काट करके आप लोग बॉ बना सकते हो। बॉ आप लोग का जो क्रॉसबो होता है या फिर ऑटोमेटिक जो तीर चलाने वाला वेपन होता है उसमें आप लोग को बहुत काम में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक जरूरी है गाइस। उसके बाद गाइस यहाँ पे फिर से हम लोग टॉक कर लेते हैं, टॉक करने के बाद देख लेते हैं अगले प्रोसेस। तो यहाँ पे आप लोग बारी बारी यहाँ पे क्लेम रिवॉर्ड करने के बोलेगा, और उसके बाद लास्ट वन गाइस यहाँ पे आप लोग को बोलेगा कि क्राफ्ट करने के लिए आपको मतलब ये कैंप फायर। ठीक है, कैंप फायर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग का हेल्थ घटती है या फिर आप लोग को भूख लगती है तो कैंप फायर बहुत ही जरूरी होता है। और हर सर्वाइवल में ये गेम फीचर आ गया है कि आप लोग को मस्ट ऑफ खाना खाना पड़ता है, और वहाँ पे कुछ बफ बनाने के लिए भी कैंप फायर का बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है। यहाँ पे कुछ गैदरिंग वगैरह स्किल दिया जाता है, और यहाँ पे देख लो ये जो मेन टावर है जिसको प्रोटेक्ट करके रखा है, ये डायनासोर बोल सकते हैं या फिर जो भी आप लोग कहो इसको। ठीक, तो ये प्रोटेक्ट करके रखता है। शायद यहाँ पे आने के बाद आपको हील भी हो जाती है, आपका कैरेक्टर हील भी हो जाता होगा, अभी तक तो मैंने देखा नहीं है बट आई होप कि हो रहा होगा। यहाँ पे टेलीपोर्ट का एक ऑप्शन देते गए, जहाँ पे आप लोग कहीं भी हो तो यहाँ पे टेलीपोर्ट होने के लिए आपको बटन को टैप करना है एंड यहाँ पे ऑटोमेटिक आप लोग टेलीपोर्ट हो जाओगे। ठीक है, तो यही एक बात है इसकी, इस टावर की खास बात है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे गेदर कर लेते हैं एंड यहाँ पे बारी बारी ए टू जेड। अगर इसके ग्राफिक्स की बात करें गाइस तो ग्राफिक्स बहुत ही ज्यादा कूल है गाइस, यहाँ पे एनहेंस नजर आ रहा है, मतलब अदर से थोड़ा सा डिफरेंस है, और घास वगैरह का भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टेक्सचर जो है एनहेंस किया गया, मतलब थोड़ा कूल दिख रहा है। और अपने लेवल के अनुसार यहाँ पे एनिमल्स को भी मार सकते हो, और यहाँ पे मतलब एनिमल्स को मारने के बाद जो भी आप लोग का वहाँ पे से फूड कलेक्ट होगा उसको आपने अपने कैंप फायर में बना करके कुछ मटेरियल्स खाने का बना सकते हो। और मेक श्योर कि आप लोग इसको बात का ध्यान रखना कि आप लोग किसी को भी शूट कर रहे हो तो अगर वो शूट कर रहा है तो उससे आप लोग लेफ्ट या राइट हो जाओ, क्योंकि अगर उसका अगर एमओ पड़ा मतलब उसका अगर अटैक वाला पड़ा तो वो थोड़ा सा डैमेज आपको दे देगा और आपका हेल्थ घट जाएगी। और मेक श्योर कि अभी आप मैंने इसको मार रहा था, आप देखा होगा कि कैप्चर नाउ का एक बटन आया था, उसको मैं बाद में बता दूंगा कि कैप्चर कैसे करना है। फिलहाल तो यहाँ पे माइनिंग भी कर लेते हैं, यहाँ पे कुछ हड्डी टाइप का दिखा तो इसमें आप लोगों फॉस्फोरस देखने को मिल जाएगा एंड ट्री में आप लोग को कुछ यहाँ पे मतलब कुछ सेकेंडरी रिसोर्सेज एंड वुड्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप लोग कलेक्ट करके आगे सर्वाइव कर सकते हो। और हेम्प वगैरह भी यहाँ पे सेम थिंग आप लोग को गेदर करना है, जिससे आप लोग को फाइबर वगैरह बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है। फिलहाल यहाँ पे होम बटन में जाते हैं, फिर यहाँ पे क्राफ्ट मतलब फ्यूज बटन में डिवाइस में यहाँ पे मैंने कैंप फायर बनाना भूल गया था, तो कैंप फायर यहाँ पे फटाक से बना देते, क्योंकि जो जो भी मिशन आप लोग नहीं करते वो आप लोग का मतलब वेटिंग लिस्ट में रहता है, तो बारी बारी उसको करते जाना तो कंप्लीट होता जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आप लोग उस मिशन को पहले कर लियो और वो आप लोग का बाद में आ रहा हो तो वो ऑटोमेटिक कंप्लीटेड रहेगा, आपको उसका रिवॉर्ड कलेक्ट करना रहेगा। तो कैंप फायर बनाने के बाद यहाँ पे मेक श्योर कि आप लोग को उसको प्लेस भी करना रहेगा, कहीं पे आप लोग उसको प्लेस तो जरूर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बैकपैक में आने के बाद यहाँ पे होम बटन दिया जाएगा, होम में आप लोग को यहाँ पे चले जाना है मतलब जो कैंप फायर वाला में। उसके बाद यहाँ पे कहीं भी आप लोग जहाँ भी चाहो फिक्स करना है, इसको आप लोग अपने प्लेस के अनुसार सेट कर सकते हो, और मेक श्योर कि वही प्लेस करना जहाँ पे आप लोग को सूटेबल लगे कि ये प्लेस अच्छा है, क्योंकि अगर एक बार इसको आप लोग प्लेस कर देते हो आप लोग टेलीपोर्ट भी यहीं पे हो जाओगे। जब भी आप लोग मरते हो या फिर खो जाते हो तो टेलीपोर्ट वाला अगर ऑप्शन यूज करते हो तो यहाँ पे आप लोग टेलीपोर्ट हो जाओगे, और यहीं पे आप लोग अपना मैनर भी बना सकते हो। लाइक मैं अगले वीडियो में या फिर मैं सेकेंड वीडियो में बता दूंगा कि अपना मैनर को कैसे बनाते हैं। इसमें भी आप लोग ब्यूटीफुल बहुत सारा घर का शेप दिया हुआ है, जैसे ओल्ड मॉडल वर्जन का आप लोग बहुत सारा घर मटेरियल बना सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पे बात करते हो, यहाँ पे जो भी आप लोग के पास मटेरियल है उसको तरह तरह का ऐड मतलब ऐड करके आप लोग कुछ मटेरियल्स को बना सकते हो। यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क दिया है क्योंकि वो मटेरियल सभी हम लोग को मिला नहीं है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे फिलहाल बना लेते हैं एज अ लाइफ आफ्टर। अगर आप लोग लाइफ आफ्टर खेलोगे तो ये जानते ही रहे होंगे कि कुछ भी मटेरियल्स अगर हम लोग बनाते हैं तो वो
कुछ ही बन जाता है। यहाँ पे कुछ स्किल्स भी दिया गया जिसको आप लोग अपग्रेड करके अपने कैरेक्टर को भी इम्प्रूव कर सकते हो। लाइक इसको अगर हेम का अपग्रेड करते हो, यहाँ पे आर्मर, शील्ड, पावर, अपना जो भी हैंग्रीनेस, थर्स्टीनेस एंड यहाँ पे जो भी आप लोग करना चाहो क्राफ्ट वाला एबिलिटी भी बढ़ा सकते हो। सारा चीज यहीं से आप लोग को दिया गया जिससे आप लोग अपना स्किल को अपग्रेड कर सकते हो। यहाँ पे टूल्स बार में जो भी आप लोग सामान सेट करते हो उसको आप लोग ड्रैग करके मतलब क्विक स्विच कर सकते हो कि आप लोग उसको खाना है या फिर उससे अटैक करना है। तो वो चीज है गाइस, आप लोग को बैकपैक खोलने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लोग टूल्स बार में सारा कुछ रख देना जिससे आप लोग तुरंत ड्रैग करके उससे अटैक कर सकते हो या फिर उस आइटम को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा लेवल 4, जैसे जैसे आप लोग मिशन करते जाओगे आप लोग का लेवल 4 होता जाएगा, मतलब अपग्रेड होता जाएगा आपका कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से एक इंस्ट्रक्शन दिया गया स्पेशल आइटम में, कुछ यहाँ पे एक कार्ड को देखने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ डिटेल्स बताया गया है जिसमें आप लोग को बताया जाएगा कि आप लोग को टेम कैसे करना है। ठीक है, मतलब कि आपके पास एक जरूर से एक पेट होना चाहिए जो कि आप लोग का वो ये करे। ठीक है, तो फिलहाल ये ट्रेलर देख लेते हैं जिसपे आप लोग माउंट करो, मतलब जिसपे आप लोग चढ़ो और कहीं भी जाओ तो वो पेट होना चाहिए। तो यही एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है कि आप लोग तरह तरह के एनिमल्स पे यहाँ पे आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारा एनिमल्स है जिसपे आप लोग चढ़ के अपने मतलब ट्रैवल को बहुत ही ईजी बना सकते हो। लाइक अगर आपके पास कोई बर्ड भी है तो बर्ड पे भी फ्लाई कर सकते हो। लाइक सी मतलब समुंदर का भी, जो भी आप लोग एनिमल को पेट करना चाहो वो कर सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छा ये फीचर दिया गया है। ठीक है, तो ये ट्रेलर यहाँ पे एंड हो जाएगा, उसके बाद हम लोग अपने एक पेट को बुलाते हैं जो कि फ्री में दिया जाएगा, एक हॉर्स जो कि पिछले लाइव स्ट्रीम में आपने देखा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे एज ए इंस्ट्रक्शन, ये जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन करेगी तो वैसे वैसे हम लोग करते हैं। फिर से इसको रीड कर लेते हैं। यहाँ पे राइड कर वाले बटन में, तो यहाँ पे होम में जाकर के पेट मतलब कॉल पेट करके यहाँ पे देख लेना गाइस, एक ऑप्शन रहता है। जैसे आप लोग सिटी मारोगे आपके पास एक ये हॉर्स आ जाएगा जो कि फ्री में रहता है, मतलब ये लोग पहले से दिए हुए हैं। और मेक श्योर कि इसको बारी बारी खाना खिलाते रहना और इसका हेल्थ मेंटेन रखना, क्योंकि ये डेड हो गया मतलब, तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा रिकवर होने में। खैर ये तो मरता नहीं आई थिंक, बट इसको हेल्थ पे ध्यान देना थोड़ा बस। तो फिलहाल ये थोड़ा सा ट्रैवल करने में आप लोग को इजी बना देता है क्योंकि ये थोड़ा सा फास्ट दौड़ता है और थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा फास्ट है क्योंकि, और इसमें बहुत सारा फीचर भी रहेगा। जैसे आप लोग माउंट करते हो किसी भी एनिमल्स को तो यहाँ पे उसके आवाज़ मतलब चीखने का आवाज़, लाइक इसको जंप करने का आवाज़, एंड यहाँ पे एक रस्सी का भी ये ऑप्शन दिया जिसे आपको उस घोड़े को तेज चला सकते हो। और बेसिकली आप घोड़े को ही नहीं, बेसिकली जो भी जानवर को आप लोग देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो इससे मतलब आइलैंड पे, वो सारे को टेम कर सकते हो, उस सारे को आप लोग अपने कंट्रोल में कर सकते हो। मैं इसके ऊपर बाद में वीडियो बना दूंगा कि किसी भी एनिमल्स को टेम कैसे करना है, किसी भी एनिमल को मारना कैसे, उसको अपने कंट्रोल में कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं ए टू जेड में डिस्क्राइब कर दूंगा। यहाँ पे एक राइड का एंड एक डाउन का एक ऑप्शन दिया गया जिसे आप लोग राइड भी कर सकते हो और गेट ऑफ भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप लोग को कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो, लाइक अगर उसको अगर आप बीच में कोई रास्ता में कुछ मिल गया तो वहाँ से उतर करके आप लोग उसको गेदर कर सकते हो। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन देख लेते गाइस कि जो NPCs है वो इंस्ट्रक्शन क्या दे रही है। तो फिर से यहाँ पे देख लेते गाइस बारी बारी, यहाँ पे राइट माउस स्टैंड हो गया एंड यहाँ पे फिर से यहाँ पे रीड कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो भी आप लोग को मिशन है, जो भी आप लोग को ये गेम प्ले है, ये इसी पे डिपेंड करता है कि ये लड़की आप लोग को सजेस्ट करेगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। चलो गाइस, तो अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि कहीं भी अगर कुछ सामान मिल जाए तो वहाँ पे लैंड कर लेना और गेदर कर लेना, यहाँ पे गेदर मान लो मैंने करते हैं। उसके बाद गाइस मैंने पहले बोला था कि टेलीपोर्ट वहीं पे होगा, तो यहाँ पे कैंप में आप लोग टेलीपोर्ट होना चाहते हो, जहाँ पे आप लोग कैंप फायर फिक्स किए हो तो वहीं पे आप लोग रिसेंटली आप लोग वहाँ पे इंस्टेंट में आप लोग वहाँ पे कैंप फायर में ये टेलीपोर्ट हो जाओगे लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग कुछ बनाने के लिए बोल रहा है जैसे कि NPCs का करना है, तो कुछ बना लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने गेदर करा था वहाँ पे कुछ फूड वगैरह, ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल मैं गेदर कर लेते हैं। एंड ये जो सामने में एनिमल दिख रहा है जिसको आप लोग मार भी सकते हो या फिर टेम भी कर सकते हो, इसके ऊपर मैं बाद में ऑफकोर्स मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत से बंदे का क्वेश्चन रहेगा आई थिंक बाद में, तो इसके ऊपर जरूर से मैं वीडियो बना जाऊंगा। उसके बाद इंस्ट्रक्शन है कि ये फूड मटेरियल आपको खाना भी है एंड आपके पेट को भी खिलाना है। ठीक है, तो देख लेते गाइस कि इसको तो यहाँ पे टूल्स बार दिया गया, टूल्स बार के बगल में एक बटन है जहाँ पे ऐसे आप लोग खाने का बटन दिया गया, तो यहीं पे आप लोग स्विच भी कर सकते हो कि अपने पेट को भी खिलाना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जब तक इस पे आप लोग चढ़े रहोगे मतलब, तो वो पेट को नहीं खिला सकते, इसके लिए आप लोग को जमीन में लैंड करना पड़ेगा एंड पेट को आप लोग
जैसे ही ये खाना को टैप करोगे तो ये पेट खाने लगेगा एंड उसका हेल्थ वगैरह वो मतलब रिकवर होता रहेगा एंड ये आप लोग को हार्ट भी देगा कि थैंक यू सो मच खिलाने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा करके आप लोग अपने एनिमल्स को भी सर्वाइव करवा सकते हैं एंड खुद भी सर्वाइव हो सकते हैं। फिलहाल तो इसके आगे के फीचर की बात करते हैं गाइस कि किस टाइप का फीचर दिया गया, तो फिर से इससे हम लोग टॉक कर लेते हैं। गाइस इंस्ट्रक्शन देती है गाइस क्या नेक्स्ट चीज आप लोग को क्या करना है, और ये स्किप मत करना जो भी इसका ट्यूटोरियल्स रहेगा। इन फ्यूचर अगर आप लोग इसको खेलो तो स्किप मत करना, ट्यूटोरियल्स आप लोग को इंस्ट्रक्शन देता है कि आप लोग को नेक्स्ट आपको क्या करना है। क्योंकि मैं भी जब ट्यूटोरियल को स्किप किया था एक मिशन में तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। फिर इसके ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर में मैंने जा करके कुछ जानकारी लिया कि इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो वो लोग हमको बताए कि ट्यूटोरियल को स्किप मत करो क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी ट्यूटोरियल्स आपके बैकग्राउंड वगैरह में चल रहा है तो उसको चलने दो और उसको रीड करो या फिर ऑब्जर्व करो कि हाँ ये लोग क्या कर रहे कैरेक्टर लोग। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग भी उसको कर सकते हो। उसके बाद गाइस सबसे मेन चीज अभी आता है कि अभी आप लोगों को क्या करना है। तो फ्रिज में जाने के बाद यहाँ पे डिवाइस का एक ऑप्शन देगा, डिवाइस में जाने के बाद आपका ये अनलॉक हो चुका है स्प्रिट बेस करके। ठीक है, तो स्प्रिट बेस आप लोगों को क्राफ्ट करना है। इससे आप लोगों को क्या होगा कि वहीं से आप लोग बेस को बना सकते हो। ये स्प्रिट बेस आपका मेन चीज है गाइस, बहुत ही मेन चीज है। इसी से आप लोग सब कुछ अनलॉक करने वाले हो कि आप लोग सर्वाइवल में क्या क्या मतलब चाहते हो, किस किस डिवाइस को चाहते हो, ये इसी चीज से खुलने वाला है। तो मेक श्योर कि आप लोग इसको ध्यान में रखो। ठीक है, एंड यहाँ पे होम करके इसको कहीं पे आप लोगों को प्लेस कर देना है, और जहां पे आप प्लेस कर मतलब करके उसी एरिया में अपने बेस को भी बना सकते हो। तो ऐसे जगह पे प्लेस करना कि आप लोग उस बेस मतलब उस एरिया में आपका बेस जो है सूटेबल हो, तो उसी में आप लोग प्लेस करना। लाइक यहां पे अगर जहां पे रेड एरिया रहेगा वहां पे आप लोग प्लेस नहीं कर सकते हो। लाइक जहां पे आप लोग का आसमानी कलर का एरिया रहेगा वहां पे आप लोग इसको प्लेस कर सकते हो। तो ये बात का एक ध्यान रखना गाइस। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है एंड आई थिंक कि मुझको मतलब वीडियो को एंड करना चाहिए कि अगर लॉन्ग वीडियो रहती तो ऑडियंस ज़्यादा नहीं देख पाते। ठीक है, एंड वो थोड़ा सा ये कर लेते। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं जरूर से बताना चाहूँगा कि इसको प्लेस कैसे करना है एंड वहाँ पे आप लोग को होम कैसे बनाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो इसी पे रहेगा कि अपने बेस को कैसे बनाना है एंड अदर सर्वाइविंग स्किल आपको कैसे यूज़ करना है। तो लाइक दिस इसी टॉपिक पर हम लोग बात कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे को जरूर से कमेंट में बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप इस गेम को खेलना पसंद करोगे या नहीं। मेरे को बेसब्री से वेटेड रहेगा। और जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो गाइस गिव अवे में, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में गया गाइस, गिव अवे में पार्टिसिपेट करो अगर कोई लाइव आफ्टर के प्लेयर्स हैं तो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, सी यू अगेन गाइज, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम।